हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत दिन है और अभी तो बर्थडे के सीज़न चल रहे हैं। कभी कभी जब सीज़न आते हैं तो वेडिंग सीजन्स चालू हो जाते हैं और आजकल हमारे समाज में एक अजीब सी प्रथा चल पड़ी है, रात को 12 बजे विशेस देनी, जन्मदिन मनाना, एनिवर्सरीज मनाना। लेकिन आपको क्या पता है दोस्तों कि हमारे हिंदू शास्त्र में इसे बहुत ही गलत माना जाता है। आजकल किसी की भी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या फिर कोई और ही अवसर क्यों ना हो, रात का जहां एक ओर 12 बजता है वहीं दूसरी ओर शुभकामनाएं देना, केक काटना लेटेस्ट फैशन बन चुका है। लोग इस बात को लेकर के सारे दिन उत्साहित रहते हैं कि चलो आज इसका बर्थडे है तो 12 बजते ही विश करेंगे, या दोस्तों यारों की जन्मदिन हो, बच्चे होते हैं, मम्मी पापा की बर्थडेज सेलिब्रेट करने, पेरेंट्स आजकल जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करनी होती है, 12 बजे एक केक कटवाया, कैंडल्स जलाए, सेलिब्रेशन किया और साथ ही साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर और सब जगह सोशल साइट्स पर फोटो अपलोड कर देते हैं। दोस्तों, जन्मदिन रात के 12 बजे सेलिब्रेट करना अंग्रेजी तिथि के हिसाब से सही है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में ये बिल्कुल गलत माना जाता है। किसी भी बर्थडे या एनिवर्सरी को मनाने के लिए ये शुभ नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिनका सीधा संबंध हमारे शास्त्रों में दिया गया है और इन्हीं सब चक्करों में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना जन्मदिन 12 बजे यानी निश्चित काल, जिसे प्रेत काल भी कहा जाता है, उसमें मनाते हैं। निश्चित काल रात का वो समय होता है जो सामान्यतः रात को 12 बजे से रात 3 बजे के बीच में माना जाता है। आम जनता इसे मध्य रात्रि या अर्धरात्रि काल भी हम बोलते हैं और शास्त्रों के अनुसार ये समय अदृश्य शक्तियाँ, निगेटिव शक्तियाँ, भूत पिशाच आदि का काल माना जाता है और इस समय ये सारी निगेटिव शक्तियाँ अत्यधिक प्रबल रूप से चारों ओर हमारे आसपास घूमती रहती है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कई ऐसी शक्तियाँ होती है जो हमें शायद आंखों से दिखाई नहीं देती, किंतु हमारे जीवन पर बहुत सारा नेगेटिव असर डालती है जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है और हम दिशाहीन से हो जाते हैं। जन्मदिन की पार्टी में अक्सर नॉनवेज का, ड्रिंक्स आदि का बहुत ज़्यादा चलन होता है। ऐसे में प्रेत काल में केक काटकर मदिरा व मांस का सेवन करने से अदृश्य शक्तियाँ व्यक्ति की आयु और भाग्य में कमी कर देती है। दुर्भाग्य उसके द्वार पर दस्तक देने लगता है और साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे कि दिवाली है, नवरात्रि है, जन्माष्टमी है या शिवरात्रि है, उस पर आपको निश्चित काल को महानिश्चित काल बोला जाता है, वो आपके लिए शुभ प्रभाव देती है। तो यदि आपका बर्थडे इन 4 दिनों में पड़ता है तो ठीक है, वरना आपको नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि अन्य समय में दूषित प्रभाव देता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में अक्सर माना जाता है कि शुरुआत दिन की सूर्योदय के साथ होती है और यही समय होता है जब ऋषि मुनियों का तप का भी समय होता है, इसलिए इस काल में वातावरण शुद्ध होता है। नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास से भगवान के, देवी देवताओं के उच्चारण, मंदिर की घंटियों के साथ गूंज से सारी नकारात्मकता विहीन हो जाती है और ऐसे में शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय होने के बाद ही व्यक्ति को बर्थडे विश करना चाहिए, क्योंकि रात के समय वातावरण में रज और तम कणों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है और उस समय अगर आप बधाई देते हैं किसी को या शुभकामनाएं देते हैं तो फलदायी ना हो करके वो मनुष्य के लिए प्रतिकूल बन जाती है। उच्चारण के बारे में, जिन तरंगों से हमारी पृथ्वी चल रही है, जिन तरंगों से हमारा ब्रह्मांड चल रहा है, वेस्टर्न लोगों ने उसे बाद में खोजा है कि साउंड वेव्स होते हैं, लाइट वेव्स होते हैं और 16 जोजन जो हमारी धरती से सूर्य की दूरी है वो तुलसीदास जी ने सालों पहले माप लिया था। तो फिर हम कौन ज़्यादा मॉडर्न हुआ, हम या वेस्टर्न लोग? दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हमारे शास्त्र अति मॉडर्न हैं और हमारे लिए धार्मिक कार्यों को करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे धार्मिक कार्य ऐसे हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने मौसम के अनुरूप, मौसम के अनुकूल, हमारे आसपास के वातावरण के अनुकूल हमारे लिए कुछ नियम लिखे हैं।
इनको दरकिनार हमें नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, अक्सर हम जब इनको मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जब यंग होते हैं हम ऐसी बातों को बोलते कि अरे आई एम मॉडर्न बोल करके हम ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं दोस्तों। लेकिन अल्टीमेटली जब लाइफ में हम दुख पाने लगते हैं 30-40 की एज तक आते आते मनुष्य वापस धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर दौड़ने लगता है। इससे अच्छा है हम बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दें कि आध्यात्मिक रहेंगे तो कभी भी ऐसी गलतियां ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें आगे जाकर के इस कदर के भोग भुगतने पड़े। दोस्तों दरअसल जिस तिथि पर हम जन्म लेते हैं उस तिथि पर प्रवाहित होने वाली जो ऊर्जा तरंगे होती है वो हमारे शरीर में मौजूद तरंगों से सर्वाधिक मेल खाती है। इसलिए उस दिन हमें अपने बड़े बुजुर्गों या परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भी आशीर्वाद मिलता है वो सर्वाधिक फल देता है। शास्त्रों के अनुसार जन्मदिन के दिन सुबह नए नए वस्त्र पहने, पॉजिटिव कपड़े पहने, खुले आसमान के नीचे हो सके तो गंगा स्नान आदि करें, किसी भी तीर्थ स्थल में नहीं तो किसी भी पानी में जाकर के स्नान कर लें। और स्नान करते समय आप ऐसे भीतर में अपने भाव रखें कि शुद्ध या निर्मल जल आपकी देह को स्पर्श कर रहा है, आपको एक पवित्र आत्मा में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे आप गंगा मैया के पवित्र पानी में स्नान कर रहे हैं। ऐसे भाव रखने से आपकी देह के चारों ओर एक अलौकिक प्रभा मंडल बनता है जो आपके शरीर को शुद्ध करता है। स्नान करने के बाद आपको अपने से बड़े उम्र के व्यक्तियों को प्रणाम करना चाहिए, इससे आपके मन की अशुद्धियां नियंत्रित होती है। कई लोग कैसे प्रणाम करते हैं, आधा झुका झुक के भाग गए, ऐसा नहीं। जब आप किसी के फीट टच करते हैं, पूरे प्रॉपर किसी के लेग के थंब को टच करते हैं तो उनके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके टच से आपकी बॉडी में प्रवाहित होती है। इसलिए दोस्तों माना जाता है किसी का भी आशीर्वाद लगता है इससे आपके जीवन में ढेर सारी पॉजिटिविटी आती है। बड़ों का आदर करने के बाद आपको अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, चाहे आपके गुरु आपके सामने हो या ना हो, आंखें बंद करके उनका ध्यान करें, उनका नाम लें, उनका आशीर्वाद मांगें। इसके बाद ईश्वर की आराधना पूरी श्रद्धा भाव के साथ संपन्न करें। और फिर हमारे शास्त्रों में और पौराणिक दस्तावेजों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन है उसकी आरती उतारनी चाहिए। आरती उतारने वाले संबंधित व्यक्ति के भीतर और चेहरे पर उत्पन्न होने वाले भाव इसमें अपना अलग महत्व करते हैं। आरती चाहे बड़ा उतारे या छोटा उतारे, लेकिन ध्यान रखें वो पर्सन आपको बहुत ही प्यार करे, इससे आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी, आने वाले साल में जितनी बुरी आपके अंदर की भाव होते हैं वो सभी जलकर उस आरती के साथ राख हो जाते हैं। आरती उतारने से संबंधित व्यक्ति के शरीर पर मौजूद सूक्ष्म और असूक्ष्म दोनों प्रकार की अशुद्धियां दूर हो जाती है। साथ ही दोनों के मन में ऐसे भाव होने चाहिए जैसे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों आरती उतारने की इस पूरी प्रतिक्रिया में दोनों व्यक्तियों के शरीर से सात्विक तरंगों का प्रक्षेपण होता है और ये तरंगे आसपास के वातावरण और वायुमंडल की अशुद्धियों को दूर करती है। और जन्मदिन के अवसर पर अगर बाकी लोगों को भी आपने इनवाइट किया है और उसके सामने आपकी आरती उतारी जा रही है दोस्तों, तो इन तरंगों से जो आने वाले लोग हैं उनके अंदर भी ये पॉजिटिव तरंगे प्रवेश करती है और सभी को नव जोश मिलता है। दोस्तों जिस व्यक्ति का जन्मदिन हो उसे भेंट अवश्य देनी चाहिए, गिफ्ट जरूर करें, ये आपका उनके लिए आशीर्वाद और प्रेम दर्शाता है। आप कर्ता भाव से रहित होकर के भेंट करें, ये आपके और भेंट लेने वाले दोनों के लिए ही फायदेमंद है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लालच को भर के या बहुत सारी महंगी शो ऑफ को देख करके आप किसी को गिफ्ट करें या आप स्वीकार गिफ्ट को करें लालच से। इसके विपरीत आप अगर व्यक्ति को भेंट अगर आप देते हैं तो इस भाव से दें कि उसका भला हो, और अगर किसी से लेते हैं आप भेंट तो इस तरह स्वीकार करें जैसे ईश्वर का प्रसाद हो। सब कोई अपने अपने जन्मदिन पर नए कपड़े पहनना पसंद करते ही हैं, लेकिन दोस्तों नए कपड़े पहनना सिर्फ शो ऑफ करना या पोजीशन मेंटेन करने के लिए नहीं होता है। शास्त्रों में भी जन्मदिन के अवसर पर नए कपड़ों को पहनना बहुत ज़रूरी बताया गया है।
लेकिन जन्मदिन पर पहनने वाले नए वस्त्रों का दोबारा प्रयोग करने की बजाय अगर आप उन वस्त्रों का दान कर दें तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। किसी ज़रूरतमंद और असहाय व्यक्ति को अपने वस्त्र दान करने से आपको मिलने वाले आशीर्वाद में बहुत ही वृद्धि होती है। और पहले के दौर में सात्विकता का बहुत अधिक महत्व था, इसलिए सात्विक लोगों के द्वारा दान की गई वस्तु भी महत्व रखती है। दोस्तों, आज के मॉडर्नाइजेशन के इस युग में मनुष्यों में सात्विकता का अभाव हो गया है। जन्मदिन के समय क्या होता है, आप पवित्र होते हैं, किसी भी प्रकार की अशुद्धि से आप दूर होते हैं, इसलिए उस दिन दान करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायक होता है। जहां एक ओर हमारे शास्त्रों में हमारे जन्मदिन पर क्या करनी चाहिए इससे जुड़ी हुई बातें बताई गई है, वहां ये भी बताई गई है कि जन्मदिन पर क्या क्या नहीं करना चाहिए। बाल काटना, किसी भी वाहन से यात्रा करना, क्लेश करना, किसी से झगड़ना, स्त्री या पुरुष के साथ नजदीकियां बनाना आदि कार्यकलाप नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा आदि का सेवन करने से बचना चाहिए, लेकिन जो लोग के फैमिली में नॉनवेज का रिवाज है, अब आपकी फूड वही है तो आप खा सकते हैं, इसमें मन में वहम ना करें। और हिंदू पुराणों में दीपक की लौ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। हमारे हिंदू समाज में हम क्या करते हैं, दीपक की लौ को जलाते हैं, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन में हम क्या करते हैं, कैंडल्स बुझाते हैं। तो दीपक की लौ की तुलना मनुष्य के शरीर में मौजूद ऊर्जा से की गई है। जो दिया आप प्रज्वलित करते हैं उसका बुझना या स्वयं उसे बुझा देना आकस्मिक मृत्यु या गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। इसलिए जन्मदिन के दिन हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं, और बच्चों को बड़ी खुशी खुशी बोलते हैं, बेटा कैंडल बुझा दो, बस एक छोड़ देना, बाकी सारी बुझा दो। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी दीपक को आपके लिए कैंडल जो आप जला रहे हैं वो भी दीपक की लौ के बराबर है, उसको आप जलाएं, जरूर जलाएं, पर उसे साइड में भगवान के सामने रख दें, कैंडल पे जले रहने दें, बुझाएं ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोग रात के 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय होने के बाद ही किसी भी मनुष्य को बर्थडे विश करें। इस समय रज और तम कणों की मात्रा न्यून होती है, यानी जीरो होती है, और इस समय दी गई बधाई या शुभकामनाएं बहुत ही फलदायी होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है, और यही समय सही समय है जब ऋषि मुनियों के तप के साथ साथ वातावरण की शुद्धि होती है, और फिर हम इस समय दीप प्रज्वलित करके या एक दिया जला करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उस दिए को आप सकारात्मकता का प्रतीक मान करके उसे अपने भगवान के सामने, अपने मंदिर में, कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो वहां एक दीप आप जलाएं, और दोस्तों दिन भर जाकर के किसी न किसी गरीब के अपने माता पिता गुरुओं की सेवा करें, और किसी गरीब को उस दिन दान जरूर करें। इसके बाद आपको रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ जो भी पार्टी करनी है, जो भी करनी है, मनाइए। लेकिन दोस्तों, ये जो वेस्टर्नाइजेशन का ट्रेंड आया है रात को 12 बजे विश करने वाला, क्यों ना हम इसे शुरू करके सुबह 5 बजे के टाइम कर दें, जब सूर्योदय करता होता है, और देखेंगे हम सबके जीवन में एक नई रोशनी का संचार होता है। अगर आपको अच्छी लगी ये बात मेरी दोस्तों, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सबसे आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, ताकि एक नया युग, एक नए नव युग का निर्माण हम एक नए बर्थडे के साथ, नए दिन के साथ शुरुआत कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।